करोड़ की ठगी कर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोगों को चूना लगाने वाला कंपनी का एमडी अभिषेक द्विवेदी पुलिस रिमांड पर है। प्रयागराज के शिवकुटी थाने की पुलिस ने अभिषेक द्विवेदी को नैनी सेंट्रल जेल से रिमांड पर ले लिया। पहले थाने लाकर उसे लंबी पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद अभिषेक को उसके घर ले जाया गया। अभिषेक से सबसे अहम सवाल यही रहा कि उसकी फरार पत्नी निहारिका कहाँ है, क्योंकि निहारिका की तलाश में दो टीमें गोरखपुर बस्ती आदि जिलों में भटक रही हैं। पूछताछ में फरार निहारिका के बारे में अहम जानकारी मिली है। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले ही उसकी पत्नी मां बनी है, किसी अस्पताल में उसने बेटे को जन्म दिया है, अभी वो ज्यादा बीमार है, ठीक होते ही वह खुद पुलिस के सामने पेश हो जाएगी। कहा जा रहा है कि फरारी के दौरान निहारिका गर्भवती थी। हालांकि अभिषेक ने पुलिस को उस जिले और अस्पताल का नाम नहीं बताया है। उसका कहना है कि उसे बेटा होने की बात बताई गई है, जो उसने पुलिस को बता दी।